बहुत देर हो गई। इतनी देर बाद आंख खुली है, आर्यन भी वेट कर रहा होगा। आज तो लैब में प्रैक्टिकल की टेस्ट भी है। Scope section CRPC require establishment of guilt against woman representation as well. Aryan, I'm so sorry. आज फिर से देर हो गई ना? मैडम ऐसे टाइम क्यों हो रहा है? रेशा, तुम्हें मालूम है कि 70% तुम्हारे लेक्चर्स मुश्किल से पूरे हो रहे हैं और आज का तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र है। क्योंकि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तुम्हें इंजीनियरिंग के बजाय उर्दू अदब सीखने चाहिए थे। वैसे तुम्हारे हुस्न को देख के तो चांद और सितारे भी शायरी करते होंगे। हम क्या चीज हैं? कुछ भी नहीं। जैसे? जैसा कि गुल की सी खुशबू, संगे मरमर से तराशदा बदन। चले चल। तुमने देखा? नहीं, तुम्हें चीटिंग करानी पड़ेगी मुझे। हाँ, सही, 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 सही। और मेरी परेशान कैसी हो? बहुत खूबसूरत। इतला के लिए शुक्रिया। बताओ कैसे कॉल की? तुम्हें कुछ होश भी है? कल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने वाला है। मुकाबला हुस्नी है कि जिसमें तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। वैसे एकेडमिक्स के तो तुम शहजादे हो, फिक्र ना करो, हमेशा की तरह तुम ही टॉप करोगे। और तुम हुस्न की बिसात पर, इसमें तुम्हें कोई जेर नहीं कर सकता। शहजादी हो तुम पूरी दुनिया की। इश्क तो अपनी मोहब्बत को सबसे हसीन और सबसे जुदा समझता है। नहीं नहीं, तुम वाकई हुस्न की देवी हो, सबसे खूबसूरत। और फिर हो भी तो मेरी। और क्या? और ये कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखना, अपने हुस्न को कभी मान ना पड़ने देना। मेरी इमानत ही समझो। अच्छा बाबा, बहुत ख्याल रखूंगी, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। वादा वादा। अच्छा, कल मिले। बेटा कहीं जा रही हो? जी मामा, वो यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आया है और आर्यन ने फिर से टॉप किया है, तो उसकी खुशी में हम खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा, जल्दी वापस आ जाना। और हाँ, जाफिर कोई अच्छा लड़का नहीं है। कल वो तुम्हारे बाप से गिला कर रहा था कि तुम्हारा आर्यन के साथ मेल जोल उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब से तुम्हारी आर्यन के साथ मंगनी हुई है उसका रवैया हम सबके साथ ठीक नहीं है। मगर मामा, उसे क्या हक हासिल होता है कि वो मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे? बेटा, वो तुम्हारे बाप के भाई का बेटा है, और तुम्हें मालूम तो है वो कितना ज़िद्दी और खुदसर है। मगर बाबा को भी तो नहीं पसंद वो? वो तो ठीक है बेटा, फैमिली मेंबर तो है ना। जब से तुम्हारा और जाफिर के रिश्ते से हमने इनकार किया है, उसका रवैया कुछ इंतकामी सा हो गया है। अच्छा ठीक है मामा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। परेशान, मुझे तुम परेशान लग रही हो, खैरियत है ना? सब कुछ ठीक है आर्यन। जब कोई कहता है ना कि सब कुछ ठीक है, समझो कुछ भी ठीक नहीं। और तुम्हें तो पता है, मुझे तो तुम
हंसती मुस्कुराती ऐसी लगती है, ऐसे मुंह उतार के ना बैठा करो। आर्यन, एक अजीब सा डर, एक वहम मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें खो दूंगी, मैं तुम्हारे बगैर रहना तसव्वुर नहीं कर सकती। और मैं तो तुम्हारे बगैर मर भी नहीं सकता, मेरी तो जान अटकी हुई है तुम पे। और तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारा इस तरह मुंह देखता ना तरह, मुझे तो खुद भारीपन महसूस होता है। तुम हंसती रहा करो, मुस्कुराती रहा करो, और अभी तो हमने साथ में बहुत सी खुशियां देखी। और तुम्हें पता है, मैं तुम्हारा बहुत साथ दूंगा, इवन कि जब मेरे हाथ इस तरह लर्जने लगेंगे ना बूढ़ों की तरह, तब भी मैं तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारी पसंद का सूप बनाकर अपने हाथों से पिलाया करूँगा। और सोचो कैसे लगेगा ना, एक बूढ़ा अपने हाथों से ऐसे ऐसे। सच बता। यार आर्यन, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे याद हो जाता है? मुझे भी याद कराओ ना। परीक्षा, एक सेकंड, जो कल आना है वो देखने दो। मुझे भी याद कराओ। काफी देर से तुम्हें तलाश कर रही हूँ परीक्षा, ये लो तुम्हारे नोट्स। अरे वाह, तुम नोट्स लेकर आ गई, थैंक यू सो मच। वेल नाउ, डोंट फ्लैटर मी टू मच। व्हाट यू मीन? इसका मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें। भला क्या? वो कहना चाहती है, इनको फाइल से निकालो, इसको कॉपी करवा के वापस दो। जी थैंक्स। मुझे लगा तुम कॉपी करके लेके आई हो। जी नहीं, इतना काफी है कि सर से रिक्वेस्ट करके तुम्हारे लिए नोट्स लेके आई हूँ। अब इसे खुद कॉपी करवाओ और सर को वापस करो। मैं चली। कहाँ जा रही हो? क्लास में, क्लास का टाइम हो चुका है। थोड़ी देर बाद चली जाना, बैठो। सॉरी, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। वैसे काफी स्वीट है तुम्हारी दोस्त। तुम अपनी नजरें सिर्फ इधर रखो, आई समझ? वो तुम्हारा ख्याल रखती है, मैं इस सेंस में कह रहा था। तुम भी ना। अच्छा ये देखो, ये वाला। इसी को तो समझ नहीं आ रही थी मुझे। कंक्लूजन याद करना है। करोड़ों का नुकसान हो जाए, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आपको पता है मैं एक असूल पसंद आदमी हूँ। सिद्दीकी साहब, जितना भी घाटा हो मुझे इसकी जरा बराबर परवाह नहीं है। ऋषा मेरी कजन होने के साथ साथ मेरी मंगेतर भी है। जाफिर मेरा मंगेतर था आर्यन, अब नहीं है। वो जबरदस्ती का मंगेतर था। तुम मेरी जिद बन गए हो और आर्यन तुम्हें छोड़ के जा चुका है। करोड़ों का नुकसान हो जाए, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आपको पता है मैं एक असूल पसंद आदमी हूँ। सिद्दीकी साहब, जितना भी घाटा हो मुझे इसकी जरा बराबर परवाह नहीं है। जो मैंने कहा वो करें बस। अच्छा, मुझे लेक्चर के लिए देर हो रही है, मैं जाती हूँ। ठीक है, चले। मुझे लाइब्रेरी जाना था, एक बुक रहती मेरी, तुम ये पकड़ो। अच्छा, और क्लास में पहुंचो। ओके, मेरी किताब लेना ना भूलना। हाँ, तुम पढ़ ही ना लेना। क्या मसला है? तुम्हें समझाया है कि प्रीशा और मेरे दरमियान में से जरा हट जाओ, वरना। वरना क्या? क्या वरना? वरना घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो मुझे टेढ़ी करके निकालना आता है। तुम होश में भी हो? जो मुंह में आता है फजूल बकते रहते हो। मेरा ख्याल तुम होश में नहीं। तुम्हें पता है कि ऋषा मेरी कजन होने के साथ साथ
मेरी मंगेतर भी है। तो ये बात तुम प्रीशा को बताओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ उसे भी समझा दूंगा, लेकिन तुम अपना किबला जरा ठीक करो, समझे? क्या जाहिल इंसान है, लगता ही नहीं मुझे प्रीशा के खानदान में से। सो सैड। हेलो प्रीशा। हाँ वो तुमसे बात करनी थी। हाँ बस मिली जुली बात है, मिलती है तो फिर बात करते हैं। इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, आ जाओ। अरे बेगम खुद ही खाती रहती हो, परीक्षा पे भी ध्यान दिया करो ना, उसकी डाइट पे तवज्जो दो यार, मुझे बड़ी कमजोर कमजोर सी लग रही थी। हाँ हाँ चलो ठीक है। अब तुम कुछ बोलोगे भी? मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी परेशा हमारी जिंदगी का इतना अहम पहलू मुझसे छुपाएगी। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रहे हो? निशा क्या मैं तुम्हारी जिंदगी की हर कहानी और हकायक से वाकिफ हूं? पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? जो बात है साफ साफ क्यों नहीं कहते? सोच लो। सोच ले। जाफर तुम्हारा मंगेतर है। Oh my God! जाफर मेरा मंगेतर था आर्यन, अब नहीं है, वो जबरदस्ती का मंगेतर था। क्या मतलब? मतलब ये वो मेरे ताया का बेटा है। फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से मेरी मंगनी बहुत पहले ही फिक्स हो गई थी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी उसके साथ मंगनी हो। और उस मंगनी में तो तुम्हारी सारी फैमिली इन्वॉल्व थी, खास तौर पे तुम्हारे वालिद साहब। तो अब? बिल्कुल नहीं, अब्बू ऐसा कभी नहीं चाहते थे। वो तो ताया का बेटा होने की वजह से मजबूर हो गए थे, और मैंने भी इस रिश्ते को कभी कोई अहमियत नहीं दी। तो परेशा तो जाफर को अपने फैसले से आगाह करो ना, वो क्यों हर जगह मंगनी का ढिंढोरा पीटता रहता है। तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा नाम किसी और से जुड़े। क्या कर तो यार मैं तुमसे। तो पीटता रहे ढिंढोरा, इसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जानते हो वो कितना स्टबर्न है। आर्यन जब तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी ना, ये सारा किस्सा खत्म हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मार दूंगा मैं उसे। छोड़ो उसे, वो पागल है। सुना बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अम्मी कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, आप लोग ठीक हैं? शुक्र तुम्हारे सामने। असल में मैं वो। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? असल में मैं आप लोगों से मिलने आया था। कतर में अबू जान का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि उनकी वफात के बाद काफ़ी मसाइल का शिकार है। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, और अम्मी जान भी काफ़ी इसरार कर रही थी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मामला ठीक हो जाएंगे मैं फौरन से वापस आ जाऊँगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, आप दोनों तालीम से फारिग हो चुके हो, तो हम चाहते हैं कि हम अपने फर्ज से भी फारिग हो जाए। अंकल
बेटा अम्मी को हमारा पैगाम देना, किसी टाइम वक्त निकाल कर हमारे पास आए और हम बैठकर बात करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी को जल्द अज जल्द पूरा करना चाहते हैं। मैं आपके जज्बात, आपकी जिम्मेदारियों का एहसास रखता हूँ, मेरी भी मजबूरी है। बस आप यूँ समझें कि परेशा आपके घर में मेरी इमानत है। अरे बेटा तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटी को एक ना एक दिन अपने घर रुखसत करना ही होता है। ऐसा ना हो कहीं हम नहीं रुखसत हो। अल्लाह ना करे अंकल ऐसा वक्त भी आए। चलें आप फिर मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ, आऊँगा जल्द वापस। परीशे आयान को सी ऑफ करो। जी अच्छा अंकल, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे खुशी है कि तुम भी पास हो गई। मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? वापस कब आओगे तुम? बहुत जल्द, मेरा इंतजार करना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा इंतजार करते करते सालों और सदियां बीत जाए। चलो बाबा अब हंस भी दो। बिछड़ने की घड़ी है और तुम मुझे हंसने को कह रहे हो? इतनी बेहस नहीं हूं मैं। अच्छा तो मैडम हमसे नाराज हैं? अब क्या आप हमें यूं रुखसत करेंगी? तो और क्या करूं? तुम्हें पता है मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि खैर छोड़ो, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। परेशा मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे तुमसे भी ज्यादा जल्दी है। मेरे बस में होता तो मैं तो शादी करके ही जाऊं, पर हालात का एकदम से बदल जाना मजबूरी है। अच्छा मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। आओ बेटा बैठो। आंटी प्रीशा कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं आप बैठे, मैं खुद ही देख लेता हूँ। तुम मेरे कमरे में बिना इजाजत के आए कैसे? भाई आ सकता हूँ, तुम्हारा कजन हूं और बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाऊंगा। कमरे में दाखिल होने के आदाब तो तुम सीख ना सके और जिंदगी में आने चले। मेरे वालदैन ने तुम्हें छोटे होते ही मेरे लिए मांग लिया था। हाँ तो मांगा होगा मगर अब नहीं। प्रीशा तुम मेरी जिद बन गई हो और आर्यन तुम्हें छोड़ के जा चुका है और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। आर्यन वापस जरूर आएगा। प्रीशा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। तुमने मोहब्बत का सिर्फ नाम सुना है, तुम जानते हो मोहब्बत नायाब हो गई है। नायाब हो गई? वो कैसे? जैसे डायनासोर नायाब हो गए। तुम्हारे अंदर तुम नहीं, तुम्हारा बेवफा आर्यन बोल रहा है। तालीम मुकम्मल करने के बाद बजाय कि तुझसे शादी करता भाग गया, वो भी बहाना बनाकर। अपने फैसले पे नजरसानी करो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए डायनासोर ही बन जाऊं। मगर आर्यन खून खोलता है मेरा आर्यन का नाम सुनकर।
इससे पहले मैं बाबा को आवाज दूं, तुम चले जाओ यहां से। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा, खास तौर पे उस बिगड़े आर्यन का बिल्कुल भी नहीं। Just shut up and get out. और हां, मैं तुम्हें सिर्फ एक हफ्ते का, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम देता हूं अपने फैसले पे नजर सानी करो। मोहब्बत सच्ची और इरादा पुख्ता हुआ तो इंसान अपनी मंजिल पा ही लेता है। और मैंने तुम्हें पा लिया। हेलो जहे नसीब। आर्यन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी मेरी जान, आप ही के तो सुनने बैठे हम, बोलो। आर्यन प्लीज वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन रहा है। परेशा, तुम कैसी बातें कर रही हो कहानी वाली, पागल मत बनो। और मेरे बस में होता मेरी जान तो मैं तो पलक झपकते ही तुम्हारे पास पहुंच जाता। तो फिर आज इस अमानत में मैं खयानत करने जा रहा हूं। मगर क्या? मगर अब्बू की वफात के बाद फैक्ट्री और कारोबार के कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उनको लिखे बगैर तो आना मुमकिन है ही नहीं। और उसके बाद एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, ये सारे मामला हल हो जाएं तो बस मैं अपनी जान के पास खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। खाक हो तुम्हारे दुश्मन, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। और वैसे भी जब कभी भी तुम्हें हमारी याद सताए तो बस अपनी आंखें बंद करके
मुझे तसव्वुर कर लिया करो, मेरी खुशबू तुम्हें अपने हिसार में घेर लेगी। कोई बातें बनाना तो तुमसे सीखे। हाँ ना, अंकल आज मैं जरूरी और हतमी बात करने के लिए आया हूँ। जी बेटा, खैर तो है ना? आर्यन प्रीशा को छोड़ के हमेशा के लिए जा चुका है। ये तुम कैसे कह सकते हो? उसके दोस्त ने बताया। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी मर्जी। मैं प्रीशा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे वालदैन ने इस सिलसिले में बात की थी जब परीक्षा बहुत छोटी थी, उसके बाद बात आगे बढ़ी ही नहीं। उसका इजहार मैं जो कर रहा हूं और वक्त आने पर वो भी कर लेंगे। आप मेरी बात माने वरना मुझे दो टोक जवाब दें। तुम्हारा बाप भी बहुत जिद्दी था, बिल्कुल वैसे ही बन गया। इसका मतलब है कि मैं ना ही समझूं? हाँ, आप ना ही समझो। तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं मर जाऊं। मगर क्यों? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूं और कान खोल के मेरी बात सुन लो। शादी के लिए मेरी पहली पसंद और आखिरी पसंद सिर्फ आर्यन है और मैं आर्यन की अमानत हूं। तो फिर आज इस अमानत में मैं खयानत करने जा रहा हूं। मेरी बेटी, अल्लाह का करम हो गया मैडम, आपकी बच्ची की जान बच गई है और अब वो खतरे से बाहर है। हाँ, उसका चेहरा बहुत झुलस गया है, उसका खास ख्याल रखना होगा। आप बच्ची को घर ले जा सकते हैं और बाकी ट्रीटमेंट उसका घर पे ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है ना? आप कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? सब ठीक है, बस चेहरे का ख्याल रखना होगा, बाकी सब ठीक है। सब ठीक कहाँ है डॉक्टर साहब? लड़कियों का जीवन और मुकद्दर, उनकी खूबसूरती और बदसूरती के गिर्द घूमता है। समझ आया कि गुस्सा हराम क्यों है? मासूम प्रीशा की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, अपने आप को जेल और सजाओं के अंधे गार में धकेल दिया है। बुरे काम का बुरा अंजाम, खत्म हो गया है सब कुछ।
में तुमसे प्यार है। बेटा हम पे इस वक्त बहुत कड़ा वक्त है, शुक्र है खुदा की कि तुम्हारी जान बच गई। अब तुम्हें हिम्मत करनी है बेटा। पापा मैं हिम्मत हार चुकी हूं, आसमान से जमीन पर गिरी हूं, बल्कि जमीन पर पटकी रही हूं। क्यों बेटी इतनी मायूसी क्यों है? ये सारा वाकया आर्यन को बताया है तुमने? नहीं मम्मा, आर्यन को कुछ नहीं बताना। मगर क्यों बेटी, ये इतना बड़ा वाकया है, अगर उसे ना बताया तो वो बुरा महसूस करेगा। मम्मा उसे कुछ नहीं बताना और ना ही मैंने उसे दोबारा मिलना है। बात बोलूं मामा? बोलो बेटी। मैं अब आर्यन की जिंदगी से निकल आई हूं। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा, क्या ये इतना आसान है आर्यन के लिए? मामा मुझे कुछ मत कहिए, ये फैसला मेरे बहुत मुश्किल और सोच समझ कर लिए। मगर कोई वजह भी तो हो, वो तुम्हें पसंद करता है। नहीं मम्मा, वो मुझे पसंद करता था, अब नहीं। मुझे भला कौन पसंद करेगा इस हालत में? मैं बदसूरत हो गई हूँ मम्मा, बदसूरत हो गई हूँ मैं, इब्रत का निशान बन गई हूँ मैं। आर्यन खूबसूरत लड़का है, अमीर ज्यादा है, वो उसे तो कोई भी मिल जाएगी, अब वो मेरे पास क्यों आएगा? मैं मनहूस हूं मामा, मैं उसके पल्ले नहीं पड़ना चाहती। जफर शायद सही कहता था, वो चला गया है हमेशा के लिए मामा। मेरा मोबाइल है ना? जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, मैं परीक्षा हवारित बोल रहा हूँ। वो बेटी के मुकदमे का आज फैसला था, उसके बारे में पूछना। सेशन अदालत ने 15 रोज में करना होता है फैसला, कल फैसले की तारीख है। जैसे ही फैसला होगा मैं आपको इतला कर दूंगी। इंशाल्लाह मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह। हेलो प्रेशा, तुम कहाँ गायब हो? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे? आर्यन मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, नाराज मत होना। प्रेशा ये क्या पहेली है? तुम परेशान लग रही हो, खैरियत? आर्यन हमारे रास्ते अब जुदा हो गए,
जी जी मेरे जान, हम आपके जुल्फों के शिदाई क्या हुए, आप तो मजाक पर ही उतरे। जिनकी जुल्फों के आप घायल हैं उनके अपने भी कुछ मसाइल हैं। ओहो, तो तुम संजीदा हो। मैं एकदम संजीदा हूँ आर्यन, मेरा रिश्ता कहीं और तय हो चुका है। तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं शादी कर लूंगी। बाबा की तबीयत भी खराब रहती है, मैं उनको इनकार नहीं कर सकती। और तुम ऋषभ, तुम राजी होगी? हाँ, मैं राजी भी हूं और इस फैसले पर मुतमईन भी। मेरी मोहब्बत महज मेरा सब कुछ भुला दी, सब कुछ। तुम कातिल हो मेरे जज्बात की, कातिल। मैं प्यार करता हूं तुमसे, मंजिल हो तो मेरे वादे सब। नहीं परेशान आर्यन, इंसानी जज्बे मरने के लिए ही पैदा होते हैं, आइए कितनी शिद्दत से सर उठाए। तुम पागल हो गई हो परेशान, मेरा इश्क हो तुम मेरी मंजिल हो। आर्यन, मोहब्बत का मिलना ना मिलना राज है। दूसरी शादी वाले और रंडवे भी बच्ची का जला हुआ चेहरा देखकर इनकार कर देते हैं। मैं माजरत चाहती हूँ। और अगर हारो तो पिया तुम्हारी। हाँ, ऐसी शर्तें तो हम रोज लगाना चाहेंगे। ये तो आर्यन है, मगर उसे नजर क्यों नहीं आ रहा? या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है।